Hey, what's up, guys? Today I'm here to teach you class 8th math, Math is Prime by Pearson. So today I'm here to teach you the chapter number 9. So today we will discuss about the chapter number 9.1. okay, so let's get started. Our first question is that, actually, before learning the chapters, we need to know something about the chapter, means how we are going to solve that chapters. So at first we have to learn two formulas. Number one, increase percentage. Number two, decrease percentage. देखिए, सबसे पहले बात आपको क्या ध्यान देना है इसमें, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ हम अगर कर रहे हैं तो हमको इनके दो फार्मूलेज हमको याद होने चाहिए. नंबर वन कौन कौन सा है? नंबर वन जो है इंक्रीज परसेंटेज, नंबर टू डिक्रीज परसेंटेज. 9.1 के जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे ये सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होंगे. सो हम फर्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि मैंने सारे क्वेश्चन को कैसे किया है, ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग on each of the following can. Okay, what the question is trying to say? Question is trying to say that calculate the percentage increase or decrease in each of the following cases. ठीक है ना? अब हमको लेना है क्वेश्चन नंबर कौन सा? फर्स्ट नंबर. अभी हमको कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है परसेंटेज इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ ईच फॉलोइंग केसेस में, तो हमको उसको बताना है, ठीक है ना? अब क्या करते हैं, ए नंबर, क्वेश्चन नंबर ए पे जाते हैं. ए नंबर पे क्या लिखा हुआ है? The profit of a company increase from 50,000 to 80,000 means what the question is trying to say. At first we have to listen it, we have to learn it. Means question ये कह रहा है कि एक company का जो profit है वो कितना increase हो रहा है, ठीक है ना? 50,000 से वो increase हो रहा है कितना? 80,000. तो वो पूछ रहा है कि कितने परसेंटेज वो increase हो गया. तो जैसे मैंने फार्मूला आपको लिखवाया था, आप फर्स्ट फार्मूला इज़ दैट इंक्रीज इन अमाउंट अपॉन ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाइड 100. इंक्रीज परसेंटेज का फार्मूला हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे. जैसे इंक्रीज परसेंटेज का फार्मूला हम यहाँ पे पुटअप करेंगे तो हमको कैसे सॉल्व करना है, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ. जैसे इंक्रीज परसेंटेज इक्वल टू क्या है? इंक्रीज इन अमाउंट मल्टीप्लाइड 100 अपॉन ओरिजिनल अमाउंट. तो यही हम पुटअप कर देंगे. देखिए इनका हमारा इंक्रीज इन अमाउंट कितना था, पहले कितना था? 80,000 था, सॉरी 80,000 इंक्रीज हुआ, और पहले जो फर्स्ट प्राइस था वो कितना था? 50,000 था, और जो हमारा ओरिजिनल अमाउंट था वो भी 50,000 था. मल्टीप्लाइड 100 कर दिया तो कितना आ गया? 30,000 अपॉन 50,000 मल्टीप्लाई 100. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 60% आंसर आ जाएगा. जो बुक में आंसर लिखा हुआ वो पूरी तरह से गलत है, आप उसको यूज मत करिएगा. बुक का आंसर मैंने चेक किया था, वो मेरे को सही नहीं लगा, ठीक है ना? जो हमारा राइट आंसर होगा ये वाला होगा 60%, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपनी बुक को ओपन कर लीजिए. जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको एक चीज़ उसको एक्सप्लेन कर दूंगा. बट इतना क्लियरली मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, उसको डिफाइन किया हुआ है कि आप जैसे ही उसको देखेंगे तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना? चलिए, तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा बोल रहा है पोचिंग ऑफ लायंस डिक्रीज फ्रॉम 60,000 टू 40,000, ठीक है ना? तो इसमें क्या लगा देंगे? वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग तो है नहीं. इसमें सीधे से क्या करेंगे हम? वही डिक्रीज का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि इसमें डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना? तो डिक्रीज इन अमाउंट मल्टीप्लाइड 100 अपॉन ओरिजिनल अमाउंट. तो 60,000 माइनस 40,000 और अपॉन 60,000, सो मल्टीप्लाई 100 का करेंगे, ठीक ना? 20,000 अपॉन 60 मल्टीप्लाइड 100 इक्वल टू 100 अपॉन 3. तो हमको कितना परसेंटेज मिल जाएगा? 33.33%, ठीक है ना? दिस विल बी आर आंसर, ओके ना? एंड इट इज द डिक्रीज परसेंटेज. व्हाट इज आर थर्ड क्वेश्चन? द प्राइस ऑफ मोबाइल फोन इंक्रीज्ड फ्रॉम, वेट अ व्हाइल, लेट मी चेक द क्वेश्चन. द प्राइस ऑफ मोबाइल फोन इंक्रीज फ्रॉम 4,500 टू 5,000 रुपीस. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक मोबाइल फ़ोन है उसका जो प्राइस है तो इंक्रीज हो जाता है किससे? 4,500 से कितने में हो जाता है?
5000 में हो जाता है। तो अब हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज परसेंटेज, वी हैव टू सॉल्व दैट क्वेश्चन बाय द इंक्रीज परसेंटेज। ओके, सो वी विल यूज द इंक्रीज परसेंटेज। इंक्रीज परसेंटेज, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंक्रीज परसेंटेज, इट इज रिटन ओवर देयर। ओके ना, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इंक्रीज इन अमाउंट मल्टीप्लाइड 100 अपॉन ओरिजिनल अमाउंट। ओके, गॉट इट, दिस इज आवर फार्मूला एंड नाउ वी आर गोइंग टू पुट द क्वांटिटीज ओवर द फार्मूला। ओके, सो 5000 माइनस 4500 अपॉन ओरिजिनल अमाउंट इज 4500 मल्टीप्लाइड 100। व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, सो व्हाट वी विल गेट, जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सीधे से है 500 अपॉन 4500 मल्टीप्लाइड 100। ओके ना, मीन्स 500 अपॉन 4500 मल्टीप्लाइड 100 इक्वल टू 100 अपॉन 9। सो जब वेन वी चेंज दैट फ्रैक्शन इन अ परसेंटेज, सो इट विल बिकम 11.11 समथिंग। ओके ना, सो दिस विल बी आर आंसर। वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर डी, एंड व्हाट द क्वेश्चन नंबर डी इज सेइंग दैट मोहन सैलरी इंक्रीज फ्रॉम 25,000 टू 30,000 दिस ईयर। मीन्स मोहन क्या बोल रहा है कि मोहन की सैलरी जो होती है तो इंक्रीज हो जाती कितने से, 25,000 से 30,000 इस ईयर में, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज द इंक्रीज परसेंटेज फार्मूला। ओके ना, हम यहाँ पे कौन सा इंक्रीज परसेंटेज का फार्मूला यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब सैलरी उसकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। 25,000 से कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 30,000 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ से सीधे बढ़ जाएगी, ठीक है ना। अब इंक्रीज अमाउंट मल्टीप्लाइड 100 अपॉन ओरिजिनल अमाउंट, फिर से वही फार्मूला को हम पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 30,000 माइनस 25,000 अपॉन ओरिजिनल अमाउंट कितना, 25,000 मल्टीप्लाइड 100। सो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया दोनों का, द डिफरेंस ऑफ बोथ नंबर इज 5,000 अपॉन 25,000 मल्टीप्लाइड 100। सो व्हेन वी सॉल्व दैट क्वेश्चन, सो वी विल गेट 20%। ओके ना, यू हैव टू जस्ट सिंपली सॉल्व दैट क्वेश्चन, यू हैव वन, यू डोंट नीड टू डू मैनी थिंग्स। ओके ना, and I have already write down all the things in a proper way, so you can check the things. Okay na, now we will move on the second question. What the second question is trying to say, I will explain to you. The sales in medicine shop increased from 60,000 per day in 2017 to 82,500 per day in 2018. Find the percentage increase in sales. क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक सेल्स जो होती है मेडिसिन शॉप्स की, वो क्या हो रही है कि फ्रॉम 60,000 पर डे थी किस पे, 2017 पे, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है कि 82,500 पर डे हो गई है, कब, 2018। सो फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन आ सेल, ठीक है ना, मतलब कितना परसेंटेज इंक्रीज हो गया इस सेल में वन ईयर के डिफरेंस में, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, वही अपना लगाएंगे इंक्रीज परसेंटेज का फार्मूला, वे विल यूज द सेम फार्मूला। सो इंक्रीज इन अमाउंट मल्टीप्लाइड 100 अपॉन ओरिजिनल अमाउंट, सो वी विल पुट अप द वैल्यू विच इज गिवेन ऑन द क्वेश्चन। सो इंक्रीज परसेंटेज इक्वल टू 82,500 माइनस 60,000 अपॉन ओरिजिनल अमाउंट। हाउ मच इज ओरिजिनल अमाउंट, इज ओरिजिनल अमाउंट इज 60,000, ओके ना, एंड मल्टीप्लाई 100। व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, सो इट बिकम 22,500 अपॉन 60,000 मल्टीप्लाइड 100, एंड व्हेन वी सॉल्व दैट होल क्वेश्चन, सो वी विल गेट 37.5%। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, now we will move on the our next question. The price of a laptop decreased from 44,000 to 32,000
इन 2 ईयर फाइंड द डिक्रीज परसेंटेज। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्राइस जो एक लैपटॉप की प्राइस है वो 44,000 से कितना हो गया 32,000 2 ईयर में डिक्रीज हो जाता है, मतलब नीचे गिर जाता है, उसकी प्राइस कम हो जाती है, ठीक है ना। तो इसमें हमको पूछ रहा है कि फाइंड द डिक्रीज परसेंटेज, डिक्रीज परसेंटेज को हमको बताना है। तो डिक्रीज परसेंटेज का क्या करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे डिक्रीज करने वाला, ठीक है ना। तो डिक्रीज इन अमाउंट मल्टीप्लाइड 100 अपॉन ओरिजिनल अमाउंट, ओके। तो डिक्रीज इन अमाउंट कितना हो, 44,000 माइनस 32,000 अपॉन ओरिजिनल अमाउंट इज 44,000 मल्टीप्लाइड 100। व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, सो इट बिकम्स 12,000 अपॉन 44,000 मल्टीप्लाइड 100। इसको सॉल्व करेंगे पूरा तो कितना आ जाएगा हमारा, हाउ इट विल बिकम, इट विल बिकम 300 अपॉन 11, ओके। सो आफ्टर दैट वी विल, व्हेन वी विल चेंज द फ्रैक्शन इनटू द परसेंटेज, सो इट बिकम 27.27%, ओके। नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट द क्वेश्चन नंबर 4 इज ट्राइंग टू से, द प्राइस ऑफ सिल्क वॉज 4,000 पर मीटर, 4,000 रुपीज पर मीटर, ड्यू टू लैक ऑफ सप्लाई द प्राइस वेंट अप बाय 6%, फाइंड द न्यू प्राइस ऑफ सिल्क पर मीटर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपके समझ में आया, चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। द प्राइस ऑफ सिल्क वॉज कितना है, जो प्राइस था सिल्क का वो था कितना, 4,000 रुपीज पर मीटर था, 4,000 रुपीस कितना था पर मीटर है। ड्यू टू द लैक ऑफ सप्लाई, मतलब सप्लाई की कमी होने के कारण द प्राइस वेंट अप 6%, मतलब कितना हो गया, प्राइस जो है 6% इंक्रीज हो गया। फाइंड द न्यू प्राइस ऑफ द सिल्क पर मीटर, अब वो बोल रहा है कि हमको फाइंड करना है कि न्यू प्राइस कितना है पर मीटर। तो अब क्या करेंगे, इंक्रीज परसेंटेज वाला फार्मूला लगाएंगे। नाउ अगेन वी आर गोइंग टू यूज दिस इंक्रीज परसेंटेज फार्मूला, ओके ना। सो वी विल, एट फर्स्ट वी विल पुट अप द फार्मूला, इट इज रिटन ओवर देयर। सो एंड हाउ मच मीट, हाउ मच परसेंटेज इट ग्रोन अप, इट ग्रोन अप 6%। तो हम इंक्रीज के परसेंटेज के जगह पे क्या लिख देंगे, 6% लिख देंगे, ठीक है ना। इंक्रीज इन अमाउंट अपॉन 4,000, ओरिजिनल अमाउंट क्या था 4,000 रुपीज अब मल्टीप्लाइड बाई 100। वेन वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, सो वी विल फाइंड आर आंसर, हाउ वी विल फाइंड आर आंसर, आई एम गोना टेल यू, ओके। 6 × 4,000 अपॉन 100, ठीक है ना। अब इसका सबका क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो आप सीधे से देखो, जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो इसका 4 का मल्टीप्लीकेशन किससे हो जाएगा, 4,000 का मल्टीप्लीकेशन 6 से हो जाएगा। तो ये 6 × 4,000 हो जाएगा, आइए बचेगा बेचारा 100, ये क्या हो जाएगा, 100 ये इधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा इसके अपॉन में, और इंक्रीज इन अमाउंट आ जाएगा, ठीक है ना, ये इधर आ जाएगा। अब इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। अब इंक्रीज इन अमाउंट कितना बता रहा है, इंक्रीज इन अमाउंट बता रहा है कि 240 आ गया। अब इंक्रीज इन प्राइस, टोटल प्राइस अगर बात करें तो 4000 में 240 को हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल प्राइस आ जाएगा, ठीक है ना। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कितने पर इंक्रीज हुआ, 240 आरएस इंक्रीज हुआ, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 6,50,000, ड्यू टू एन पेंडेमिक द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन वेंट डाउन बाई 12%, फाउंड द करेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि जो पॉपुलेशन है टाउन की वो कितनी थी, सबसे पहले की अगर बात की जाए तो 6,50,000 रुपीज़ थे, ड्यू टू अ पेंडेमिक, पेंडेमिक मतलब महामारी होती है, ठीक है ना, जैसे बीमारियां फैल जाती हैं जैसे कोरोना, तो इसको भी हम पेंडेमिक बोल सकते हैं। तो वो ऐसा बोल रहा है कि ड्यू टू पेंडेमिक क्या होता है, पॉपुलेशन ऑफ द टाउन वेंट डाउन 12%, मतलब पेंडेमिक के कारण क्या होती है, पॉपुलेशन 10% डाउन हो जाती है, ठीक है ना। फाइंड द करेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, अब वो बोल रहा है कि अभी करेंट की पॉपुलेशन क्या है टाउन की, वो हमको बताना है, ठीक है ना। तो इंक्रीज परसेंटेज इक्वल टू डिक्रीज इन अमाउंट अपॉन ओरिजिनल अमाउंट,
मल्टीप्लाइड 100। सेम क्वेश्चन को हम यूज करेंगे डिक्रीज वाला, ठीक है ना। अब डिक्रीज कितने परसेंट हुई, 12% हो गई, तो डिक्रीज परसेंटेज के पास लिख देंगे। डिक्रीज इन अमाउंट हमको पता नहीं है, ठीक है ना। मल्टीप्लाइड 100 अपॉन, और ओरिजिनल अमाउंट की बात करें तो ओरिजिनल अमाउंट हमारे पास कितना है, 6,50,000, ओके ना। तो अब हम इसका फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे जैसा कि हमने लास्ट टाइम किया था। अगेन वी विल डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आफ्टर दैट वी विल फाइंड दैट 12 × 6,50,000 अपॉन 100, ओके ना। एंड व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, सो वी विल गेट हाउ मच, 8,000, ओके ना। सो वी विल गेट 8,000, नॉट 8,000, सॉरी सॉरी सॉरी, या इट्स 78,000। वी हैव टू सॉल्व दैट क्वेश्चन वेरी केयरफुली, देन वी विल गेट द व्हाट द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू से, ओके ना। सिंपल थिंग इज दैट, सो इट इज 78,000। सो नाउ हाउ मच प्राइस हैज़ इंक्रीज्ड, सॉरी हाउ मच पॉपुलेशन हैज़ डिक्रीज, कितनी पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है, इसको हमको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा आंसर आया 78,000, उसको क्या कर देंगे, डिक्रीज पॉपुलेशन मतलब 6,50,000 में हम 78,000 को डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। जब इसको हम डिक्रीज कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5,72,000 टोटल पॉपुलेशन आ जाएगी। तो अगर 12% का लॉस हो गया पॉपुलेशन में, तो 12% का लॉस इक्वल टू कितना होता है, 6,50,000 में 78,000, ओके ना। सो डिक्रीज पॉपुलेशन कितना हो गई, इन दोनों को हम माइनस कर देंगे, जितना ही आ गया 5,72,000, वही हमारा आंसर होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आपके लिए यूजफुल है, तो रिक्वेस्ट करता हूँ, मैंने अभी फर्स्ट टाइम ही स्टार्ट किया है, तो आप इसको क्या करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और आपको मैंने एक पीडीएफ फॉर्म में पूरी तरह से ये दे रखा है। मैं इसके लिए एक नया टेलीग्राम ग्रुप भी बनाने वाला हूँ, जिसमें आपको ये सारी पीडीएफ जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इनकी पीडीएफ्स मिल जाएंगी पर चैप्टर के, 9.1, 9.2 मैं आपको लिख के डाल दिया करूँगा, तो आप वहाँ से पीडीएफ को ईजिली ले सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ओके, हैव अ गुड डे गाइज़।